का आखिरी सूर्य ग्रहण 2 अक्टूबर को लगने जा रहा है। उसी दिन पितृपक्ष का आखिरी दिन भी है, यानी पितृपक्ष का समापन सूर्य ग्रहण के साए में हो रहा है। इसके अलावा इस दिन कुछ और ऐसे योग बन रहे हैं जो इसकी अशुभता को और बढ़ा रहे हैं। ज्योतिषाचार्यों के मुताबिक इस दिन सूर्य शनि का षडाष्टक योग बन रहा है। सूर्य ग्रहण के वक्त शनि और सूर्य की एक दूसरे पर आठवीं दृष्टि होगी, यानी स्थिति कुछ भयानक बनने वाली होगी। पितृपक्ष समाप्त होते ही कुछ राशियों को 15 दिनों तक सावधान रहना होगा, वरना उनकी जिंदगी में उथल पुथल मच सकती है। तो आइए इस वीडियो में जानते हैं कि कौन सी हैं वो राशियाँ। ज्योतिष शास्त्र की माने तो मेष राशि के जातकों के लिए सूर्य ग्रहण जीवन में नकारात्मक प्रभाव बढ़ाने वाला माना जा रहा है। इस राशि पर ग्रहण का साया अगले 15 दिनों तक बना रहेगा। इन राशि वालों को आर्थिक नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। बिजनेस में घाटा होने की आशंका है। कुछ कारणों से अनावश्यक खर्च बढ़ सकता है। इस राशि के लोग किसी साजिश का शिकार भी हो सकते हैं। विरोधियों और वाद विवाद से बचकर रहना होगा। दफ्तर में विरोधियों के साथ थोड़ा सावधानी के साथ रहते हुए काम करें। सेहत में उतार चढ़ाव हो सकता है। मिथुन राशि के जातकों के लिए सूर्य ग्रहण बहुत ही अशुभ प्रभाव लेकर आने वाला है। आपकी सेहत अचानक बिगड़ सकती है। जीवन में आर्थिक संकट बढ़ सकते हैं। आपके बने बनाए काम में अचानक से रुकावटें पैदा हो सकती हैं। काम बिगड़ भी सकते हैं। अनावश्यक वाद विवाद से बचें, वाणी पर संयम रखें। विरोधियों से अपमान और पराजय का सामना करना पड़ सकता है। कार्यक्षेत्र में सहकर्मियों से विवाद हो सकता है। सेहत का ध्यान रखें, अचानक से आपको कोई बीमारी लग सकती है। लव लाइफ में भी अचानक प्रतिकूल परिस्थितियों का सामना करना पड़ सकता है। सूर्य ग्रहण के साए से कर्क राशि वालों को भी सावधान रहना होगा। इनके जीवन में बिना वजह की परेशानियां बढ़ सकती हैं। करियर में अधिकारी वर्ग के लोग परेशान करेंगे। आपके रोजाना के काम में समस्याएं खड़ी कर सकते हैं। कामकाज और योजनाओं में सफलता के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। मित्रों और वरिष्ठों से वाद विवाद से बचें। संतान पक्ष से किसी कारण से मनमुटाव हो सकता है। किसी से उधार न लें, वरना नुकसान हो सकता है। आर्थिक स्थिति में उतार चढ़ाव आ सकता है। पैसों और निवेश के मामले में इस वक्त कोई भी फैसला करने से बचें और किसी पर भी आंख बंद कर इस वक्त भरोसा न करें। कन्या राशि के जातकों के लिए भी सूर्य ग्रहण धन हानि का संकेत लेकर आ रहा है। इस राशि के जातकों को खर्च से सावधान रहना होगा। धन से संबंधित संकट का सामना करना पड़ सकता है। बिजनेस को लेकर तनाव हो सकता है। किसी नई योजना पर अभी काम करने से बचना होगा। वृश्चिक राशि के जातकों के जीवन में सूर्य ग्रहण की वजह से अचानक से आर्थिक समस्याएं खड़ी हो सकती हैं। इस राशि के जातकों के बने बनाए काम पैसों की वजह से बिगड़ सकते हैं। आर्थिक स्थिति में गिरावट आ सकती है। आपके जीवन में नकारात्मकता और हताशा बढ़ सकती है। जुआ, सट्टेबाजी और जोखिम भरे काम में पैसा न लगाएं। करियर से जुड़ा कोई भी फैसला इस वक्त काफी सोच समझ कर लें। किसी भी डील को साइन करने से पहले उसे अच्छी तरह से पढ़ लें। संतान के स्वास्थ्य का ध्यान रखें। दफ्तर में अपने सीनियर के साथ वाद विवाद से बचें। परिवार में भी अनबन हो सकती है। दुर्घटना से सावधान रहना होगा और सेहत का ख्याल भी रखना होगा। तो ये वो 5 राशियां हैं जिनकी जिंदगी पर सूर्य ग्रहण के 15 दिन बाद तक ग्रहण लगा रहेगा। 15 दिनों तक इनकी जिंदगी पर आर्थिक संकट का साया मंडराता रहेगा। बस कुछ सावधानियां हैं जिसे बरतने से इन संकटों को कुछ हद तक कम किया जा सकता है। तो कैसी लगी आपको हमारी ये जानकारी, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बाकी धर्म कर्म से जुड़ी तमाम जानकारियों के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा डिजिटल चैनल और देखते रहिए न्यूज़ नेशन स्तुति।